फयाज भाई के घर बहुत ही टेस्टी खाना खाने के बाद और उनको बाय बोलने के बाद हम आगे निकल पड़े। आगे बढ़े तो पता चला कि खडियाल विलेज के पास खडियाल व्यू पॉइंट है। ऐसा व्यू पॉइंट है जहां से हब्बा खातून माउंटेन से लेके खोपरी विलेज तक सब साफ दिखाई देगा। जब वहां पहुंचे तो नजारे कुछ अलग ही थे। देखो हम आए एकदम ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट पे। 1 2 3 अप। थोड़ा सा ऊपर आए हैं, हमारा होटल नीचे है, लोग थोड़ा सा ऊपर आए हैं। इस व्यू पॉइंट को बोलते हैं खंडियाल व्यू पॉइंट, जैसा विनायक ने। और वो हवा इतनी चल रही तो मैंने अपना हुडी भी खोल दिया। बट मैं आपको व्यू पॉइंट दिखाता हूँ, एंड दिस इज खंडियाल व्यू पॉइंट। पीछे वाला पार्ट भी बहुत अच्छा है। यहाँ हमारी वैन खड़ी हुई है और ये माउंटेन देखो पीछे, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है। वो व्यू के एग्जैक्टली ऑपोजिट व्यू ये है, ये वाला पहाड़ है। वाह वाह वाह। Yes, yes. To help me. Wow. For what? आप हमारे साथ, अभी आप हमारे साथ टेम्पो ट्रैवलर में चलो। होटल जाने का मन ही नहीं कर रहा था, सोचा कहीं बैठ लिया जाए, फिर सोचा थोड़ा खा भी लिया जाए। बारबेक्यू यहाँ पे आराम से हम 1-1.5 घंटा बैठेंगे बारबेक्यू पे। अरे वेज तो होगा ना विनीत? वेज होगा, वेज में आलू वालू बारबेक्यू करेंगे। और नॉनवेज? नॉनवेज में पता नहीं क्या बारबेक्यू। मछली मछली हम नॉनवेज नहीं खाते। हाँ पर वो भी होगा ही ना, बारबेक्यू तो मेनली इज फॉर नॉनवेज। बेसिकली पॉइंट ये है कि नहीं नहीं पॉइंट पनीर नहीं है, पॉइंट ये है कि वादियों के बीच में बारबेक्यू लगा के, वादियों में आप हमको मत देखो यहाँ देखो, वादियों के बीच में बारबेक्यू लगा के मस्त मजा ही कुछ और है। आगे रिवर फ्रंट है और रिवर फ्रंट पे आराम से बैठ के आप चिल करो, मजा ही कुछ और है। खुश है? इसके बाद होटल बिलाल भाई बहुत खुश है। पॉइंट के बाद नहीं, अभी बताया कि नहीं, अभी तो वेट करना है, इसके बाद जाना है। यस यस यस, लगता है बहुत बड़ा अरेंजमेंट करने। और गाइस देख लो, जहां हम लोग आए वहां सामने रिवर फ्रंट है, ये रहा रिवर फ्रंट। और नाम है उसका रिवर का विनीत, एग्जाम टाइम व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर? शाहपुरा, लेट इट बी, यू फेल्ड। कृष्णगंगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेम ऑफ द रिवर इज किशनगंगा। और यहीं पे लोग बैठे, देखो अंकल आंटी भी वहां पे। और पाकिस्तान में जाके हमारे सब, और पाकिस्तान में जाके रिवर का नाम क्या हो जाता है? नीलम। नीलम पाकिस्तान में आके रिवर का नाम हो जाता है नीलम। वेरी गुड। ये तेरी जुल्फे नहीं है, ये तेरी जुल्फा है। जुल्फे तो अच्छी होती है, ये जुल्फा है। जुल्फा पहले, हाँ ये देखो, ये टैटू देखो जीवन अंकल के हाथ में, अमोग, नितारा और अनायशा। अमोक कौन है? लड़की की लड़की। अच्छा, और चंदन की लड़की। हाँ चंदन की डॉटर, मतलब नाम क्या है वापिस? अनायशा। कैसे कहे क्यों हम गए ऐसे बन, पनीर फिर हम गए। और यहाँ पूरा ग्रेड लगा हुआ है बारबेक्यू जलाने के लिए। और हम लगा रहे हैं बारबेक्यू। वाह मस्त।
रेस्क्यू भी हो गया, पर फिर भी होटल वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर लोगों से पता चला कि पास ही में एक ऐसा कैफे है जो इंडियन आर्मी चलाती है, इसीलिए उसे आर्मी कैफे भी बोलते हैं। हमारी बस से उतर गए थे और बीच में आ गए आर्मी कैफे। यहाँ पे है विनायक, चंदन और मेरे ऊपर लाइट, और विनायक के ऊपर है लाइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे यहाँ पे, सिंस हमारे वे में हमने आर्मी कैफे देखा था। तो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और फिर हम जाएंगे होटल। और ये देखो लाइटिंग के बीच में से हम जाते हैं। चल तो गाइस, हमने बहुत टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, एक्चुअली हो गई रात और हमारा डिनर वहाँ पे रेडी है। यस यस, तो अभी हम लोग यहाँ पे बिल भर रहे हैं और जा रहे हैं होटल की तरफ। होटल पे जा रहे हैं, डिनर करेंगे मस्त वाला। चलो तो चलो चलो। तो गाइस आ गए हम लोग होटल वापस। मेरे पीछे आप होटल देख लो, वहाँ पे कैफे में बैठे थे, फिर हम लोग होटल आ गए वापस। अभी ये रहा हमारा होटल का डिनर सेक्शन। तो गाइस डिनर करने के लिए बैठ गए हैं, मतलब थोड़ा डिनर हो भी गया, तो थोड़ा लेट चालू की है। तो कैसा है डिनर? ठीक है भाई, अच्छा, नो 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 कंप्लेंट। ये है ब्लैक दाल, ये अपना दूधी का सब्जी, ये है पनीर टमाटर राइस, ये है फ्लावर का सब्जी, और ये है अंकल फ्लावर। फ्लावर अंकल, मजा आ रहा है? बहुत फ्रेश है जी। तो चलो अभी डिनर करते हैं और फिर मिलते हैं एंडिंग मैसेज के साथ। ये लोग भी इधर ही रह रहे हैं। गाइज अभी हमारा खाना खा के हो गया यहाँ पे, एकदम बढ़िया। और पीछे आप देखो बोन फायर चल रहा है, उसमें कोई मतलब हमजा भाई है वो गाना भी गा रहे हैं। तो यहाँ पे एक गाने का सेशन चल रहा है। yes. मैं धीरे इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज पीछे कोई आर्टिस्ट गाना गा रहा है, एकदम लाइव सेशन। तो चलो अभी क्या करते हैं, खाना खाने के बाद इस सेशन पे थोड़ा फ्रेश होके आते हैं, सेशन में बैठते हैं एंड देन दिन को एंड करते हैं। वाह वाह वाह। सा चेहरा दिखा है, जाने क्या कहूँ उस पे क्या लिखा है। गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें, घायल हुआ मैं उस पल से इसमें। नैनादा क्या कसूर, क्या कसूर, क्या कसूर। नैनादा क्या कसूर, वे कसूर, वे कसूर। नैनादा क्या कसूर, वे कसूर, वे कसूर। रूपाने मीरा नाचेगी। मीरा नाचेगी, हम नाचे बिन घुंघरू के। पहले कभी ऐसा होता था नहीं, तू ही बता इस दिल का मैं अब क्या करूं। कहने पे चलता नहीं, कुछ दिनों से मेरी भी सुनता नहीं, तू ही बता इस दिल का मैं
अब क्या करो, मैं क्या करूं, 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 मैं क्या करूं। चलो तो गाइज यहाँ पे ना गाने का सेशन भी कंप्लीट होने वाला है मोस्ट, वो देखो चल, गाना चल रहा है अभी भी सामने, मतलब लास्ट सॉन्ग्स टाइप चल रहा है, yes, रात yes. के 11-12 बज गए हैं, तो आज का दिन एकदम एकदम इम्पैक्टफुल रहा है, मजा आ गया रहा है। अलग तुलेल देखा हमने और वो गांव में भी हम गए, गांव का खाना भी खाया, सब कुछ किया, बहुत मजा आया। तो कल हमारी वापसी होने वाली है श्रीनगर के लिए। हाँ, कल हम सुबह निकलेंगे श्रीनगर के लिए और अभी क्या करते हैं, अभी जाते हैं और एडिट करते हैं और कल के लिए व्लॉग तैयार कल के लिए व्लॉग तैयार करते हैं। तो चलो, अगर आज का सिंपल स्वीट व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू विन विन व्लॉग्स। तो मिलेंगे कल एक तड़कते भड़कते एपिसोड के साथ, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए एंड शुभ रात्रि, गुड बाय। गाइज मून देखो, मून कैसे दिख रहे हैं, मैंने आपको जूम करके दिखाऊंगा। उधर क्यों बोल रहा है, माइक इधर है, आता है कभी।